लेना बेटा, तुम खड़ी क्यों हो? आओ ना बैठो। मैं बैठने नहीं आई, मैं आज बहुत खास मकसद से आप सबसे मिलने आई हूँ। कुछ सच्चाइयां हैं जिनका आप सबको जानना बहुत जरूरी है। कैसी सच्चाइयां बेटा? आप क्यों घबरा रही हैं? वैसे आपका घबराना बनता है। आपके बेटों को भी तो पता चले कि माँ के रूप में आप एक जहरीली नागिन हैं। हेलेना, अलैना बेटा, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? बस ये दिखावे की मोहब्बत रहने दें। क्या कर रही हो तुम यहां? क्यों आई हो? चलो निकलो हमारे घर से। अब तुम्हें मेरी मौजूदगी भी बुरी लग रही है? मैं जो यहाँ सच बताने आई हूँ उसे सुन के तुम खुद यहाँ एक मिनट भी नहीं रुकना चाहोगे। तुम्हारी किसी भी बात पे कोई एतबार नहीं करेगा। सबूत है मेरे पास, सबूत देख के तो एतबार कर लोगे ना? शबरीस, तुमने महर को नहीं बताया कि उस रात हम दोनों के बीच क्या हुआ था? कि उस रात हम दोनों मेरे घर पे अकेले थे और हमारे बीच में जो कुछ हुआ उसके बाद तुम मुझसे शादी करना चाहते थे? क्यों आंटी, आपको तो सब कुछ मालूम है ना? मेहर, तुम्हें नहीं बताया शबरीज ने कि मैं और शबरीज साथ वक्त गुजार चुके हैं? उस रात कुछ नहीं हुआ था। अच्छा, अभी दिखाती हूँ। शबरीज, मुझे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। पता नहीं चक्कर से आ रहे हैं मुझे। शबरीज, तुम मेरे साथ रूम में चलो, बेटर फील करोगे फिर घर चले जाना। मैं अपनी बच्ची को बर्बाद होता हुआ नहीं देख सकती। अब इन दोनों की शादी के अलावा कोई गुंजाइश नहीं बची। शादी करनी होगी। झूठ है ये सब कुछ। इस वीडियो को भी झूठ लाओगे? हाँ, मैंने कहा ना झूठ है ये सब कुछ।